हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में 8 इंच तक बारिश, दो बच्चों की हुई मौत। जोधपुर में 78 साल में भारी बरसात। भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ में सैलाब, बाइक और कारें बही। राजस्थान में पिछले 24 घंटे से अलग अलग जिलों में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जोधपुर में 78 सालों में पहली बार जुलाई में भारी बारिश हुई है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली में जबरदस्त पानी गिरा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी के साथ कार, बाइक, सिलेंडर सड़कों पर बहते नजर आए। टोंक के रिवाय में वनस्थली रोड के पास बने के निकट में 3 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 पानी में डूबने से मौत हुई और 1 बच्चे को बचा लिया गया। भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जोधपुर में कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 205 मिमी बरसात रिकॉर्ड हुई है। मौसम केंद्र जयपुर और जल संसाधन विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 205 मिमी करीब 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। चित्तौड़गढ़ में 179 यानी 189, राजभटा, गंभीरी डैम, कपासन, बेगू, भोपाल सागर, जोधपुर शहर, सुरसरा जोधपुर, जवाहर सागर कोटा, सरदार समंद पाली, सोजत पाली, सरवाड़ अजमेर, भीलवाड़ा, कोटड़ी भीलवाड़ा में 100 से लेकर 200 मिमी के बीच पानी बरसा है। जोधपुर में उम्मेद सागर नहर कई सालों के बाद बहती हुई नजर आई। पुलिस लाइन, बस स्टैंड समेत कई जगहों पर पानी घुटनों तक भर गया। जोधपुर में बीती रात तेज बारिश के बाद एक जगह कार भी बहती हुई नजर आई। वहीं कई कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भरने के बाद घरों में मानो सैलाब आ गया। सड़कों पर सिलेंडर पानी में बहते हुए नजर आए। मौसम केंद्र ने जोधपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 119 मिमी बारिश रिकॉर्ड की है, जो कि साल 1943 के बाद जुलाई के महीने की सर्वाधिक बरसात है। 2019 में जोधपुर में जुलाई के महीने में 117 बारिश हुई थी। भीलवाड़ा में भी देर रात से मंगलवार सवेरे तक हुई तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। यहाँ सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ नजर आया मानो नदियाँ बह रही हों। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 205 मिमी बारिश के बाद बनास कोठारी नदी में पानी आया। शहर में कई जगह 1-2 फीट तक पानी भर गया। बायोस्कोप के पास अंडरपास में एक गाड़ी पानी में फंस गई, ड्राइवर समेत कार डूबने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाया। कोटा शहर के गोविंदनगर अंडरपास में एक कार डूब गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे कर कार सवार युवकों को पानी से बाहर निकाला। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का असर आगामी 48 घंटों तक अजमेर, जोधपुर, उदयपुर के आसपास के जिलों में बना रहेगा। इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश तो 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। 28 से 29 जुलाई से राज्य के कुछ भागों से धीरे धीरे मानसून की गतिविधियों में कमी होने और उत्तरी भागों की ओर शिफ्ट होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।